नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सोच रहे होंगे ये क्या चीज है, मैं क्या बना रही हूँ। इसको आमरा कहा जाता है, ये सब्जी वालों के पास मिल जाते हैं। ये अगस्त और सितंबर के महीनों में बहुत आता है। जब भी आता है आप इसको खाना चाहिए और इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसके खाने से आपको बहुत सारे इसके मैं फायदे बताती हूँ क्या क्या है। एक तो विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है और नंबर दो इसमें आयरन की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है। इसको हम खाते हैं तो हमारे खून बहुत जल्दी बनता है और इसमें स्किन हमारी ग्लो करता है और अगर हमारे शरीर में कोई चोट लग जाती है उसके जख्म को ये बहुत जल्दी भरता है। तो आप लोगों को इसको यूज करना चाहिए साल में और इसको आप सब्जी की तरह भी बना के खा सकते हैं। अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो इसका अचार बनाकर रख सकते हैं जो साल भर खराब नहीं होता है और इसको आप सारे साल खा सकते हैं। वीडियो बनाना शुरू करते हैं, मैं बताती हूँ इसको हम कैसे बनाएंगे। इसको मैंने यहाँ अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद मैंने इसको दो तीन पानी में धो लिया है और इसको हमें इस ऊपर के जो ये छोटे छोटे पार्ट है इनको हमें काट लेना है। यहाँ मैंने इस तरह से इसके पार्टों को छोटे छोटे से जो ये काले वाले हैं बस काटना ही है थोड़ा सा इस तरह से। तो यहाँ मैंने इस तरह से सारे पार्टों को काट लूँगी और इसमें कई बार इसमें जाली पड़ी होती है, जैसे हम आमी लाते हैं ना उसमें जाली होती है, तो उसमें जाली होती है बीच में। अगर आपकी जाली होती है छोटी छोटी से उसको साफ़ कर सकते हैं और कई बार इसमें जाली नहीं होती है, तो ये आपको देखना है कि इसमें जाली है या नहीं है। तो इस तरह से हम इसको साफ़ कर लेना बीच में से हल्का हल्का सा। ये मेरा कच्चा है, अगर आप लाते हैं इसमें जाली है तो आप इसको ज़रूर साफ़ कर लीजिएगा, नहीं तो इसमें मुँह में धागे धागे से आएंगे। तो यहाँ मैंने इस तरह से इनको सपोज काट लूँगी और इनके छिलके साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारे बहुत ही फ़ायदा करता है जैसे मैंने आपको बताया है। तो इन सबको मैं काट लेती हूँ पहले। यहाँ मैंने इसको सबको काट लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ, अंदर इसमें कई बार जाली सी पड़ जाती है तो ये टाइट हो जाता है क्योंकि इसमें बीज बनना शुरू हो जाता है। तो आप इस तरह का बिल्कुल नहीं लीजिएगा, कच्चा हो तो लाइएगा, नहीं तो ये काटने में बहुत दिक्कत होती है और दो चार थोड़ा सा ये जैसे पकने से लगते हैं, जब पकते हैं ना तब ये जाली बनती है। तो इस तरह से होते हैं, ये कटने में बहुत दिक्कत आती है, इनका छिलका उतर जाता है और ये पक्का। तो आप इन्हें साबुत बना सकते हैं पर बीज में से ये जाली जाली सी आएगी, जैसे कि आम की हम काटते हैं तो आम में जाली होती है ना, उस तरह से ये जाली पड़ जाती है। तो आपको इन बातों का जरूर ध्यान में रखना है। यहाँ मैंने एक कढ़ाई रखी है और यहाँ मैं 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं तेल डाल दे रही हूँ। यहाँ मैं सरसों का तेल यूज कर रही हूँ और आपकी इच्छा है आप कोई सा भी यूज करें। तो यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया है, तेल हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ मैंने आधा छोटा चम्मच जीरा लिया है और आधा छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने अजवाइन लिया है और आधा छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने सौंफ पाउडर लिया है। थोड़ा सा मैं साबुत भी आप डाल सकते हैं, मेरे पास पिसा है तो मैं पिसा डाल रही हूँ। तो इन चीज़ों को हम डाल देंगे। यहाँ हमारे खड़े मसाले भुन चुके हैं, सौंफ अजवाइन और जीरा, और यहाँ मैं आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। यहाँ मैंने जो आमरा इनको काटा था आमरा को इनको हमें डाल देना है, हमें मिक्स करना है। इसमें हमें पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी, हमें इसे धीरे आंच में पकाना है। ये मिनटों में पककर तैयार हो जाते हैं, बस हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है और ढक देना है। तो यहाँ अभी मैं हल्दी डाली है और नमक डाल रही हूँ और मसाले मैं बाद में डालूँगी। यहाँ नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं पर यहाँ मैं एक छोटा चम्मच डाल दे रही हूँ। और गैस को मैंने बिल्कुल धीरे कर रखा है, अगर आप पानी की ज़रूरत पड़े तो डाल सकते हैं पर इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसे मैं ढक के रख दे रही हूँ, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इसको हमें एक बार चला लेना है, आप देख रहे होंगे कलर भी चेंज हो चुका है इसमें। और साथ में यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च ली है, अब हरी मिर्च को मैं डाल दे रही हूँ। ये सिर्फ पकने में अब सिर्फ 2 मिनट में पक जाएंगे, ये 5 से 7 मिनट में पक जाते हैं, इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसलिए मैंने मिर्च को बाद में डाला था क्योंकि मिर्च मुझे खड़ी खड़ी पकानी है। तो यहाँ मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, अब यहाँ मैं मसाले डाल दूँगी क्योंकि 4 से 5 मिनट में पक जाते हैं और आप देख रहे होंगे बिल्कुल गल चुके हैं हाथों में, इस तरह से ये गल चुके हैं ये। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा धनिया लिया है, एक छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया, ये कश्मीरी मिर्च है, ये बिल्कुल तीखी नहीं है। और आधा छोटा चम्मच यहाँ मैंने गर्म मसाला लिया है। अब इन सब मसालों को हमें इसमें डाल देना है, बस अब इसे हमें ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हमें मिक्स करते 2 से 3 मिनट और पकाना है। ये मिर्च हमने जो अभी डाली है वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी और आप देख रहे होंगे मिनटों में ये हमारी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। इसको बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता और इसके फायदे मैंने आपको बताए हैं कि कितने इसके फायदे हैं और बहुत ही खट्टे होते हैं। मिर्ची डालिए, बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे रोटी परांठे चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं और ये
एक दो फांक लीजिएगा और सब्जी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसको आपको खाने के बाद। दो मिनट हो चुके हैं, यहाँ मिर्च भी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, तो ये हमारे यहाँ आमला की सब्जी तैयार हो चुकी है। ये अब यहाँ गैस को बंद कर दे रही हूँ। आपको छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखना है, जब भी आप बनाएं भारी तले के बर्तन में बनाएं, नहीं तो ये आपका लग सकता है, जल सकता है। जैसे हम ढक के रखेंगे सिर्फ ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट लगते हैं और कई बार 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। ये बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है और आपने देखा होगा मिनटों में बनने वाली सब्जी यहाँ रेडी हो चुकी है। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। यहाँ हमारी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है, बहुत ही तीखी खट्टी चटपटी बनके रेडी हुई है। एक बार बना कर रख ले सकते हैं आप इसे फ्रिज में और 10 दिन तक भी ये ख़राब नहीं होती है। आप इसे परांठे रोटी चावल के संग किसी के संग भी खा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।